उनके दिमाग में ये सब जो चीजें जो है ना, उसको पहले हमको हटाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि अगर कोई भी आपके पहचान का नॉन मुस्लिम है, आप उसे यहाँ तक ले आइए, उसे बिठाइए, उसे समझाइए, तभी बाहर वाले जो झांक के सिर्फ अंदर देखते हैं, उनकी गलतफहमी दूर होनी चाहिए। खैर, अभी जो लोग कहते हैं हम कागज तो दिखाएंगे नहीं, केरल में तो ऑलरेडी उन्होंने सर्वे शुरू किया लेकिन लोगों ने सख्ती से मना किया कि हम नहीं दिखाएंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी ने बोल दिया है कि हम इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। सिर्फ जो बीजेपी वाले जो स्टेट है, जहां पर बीजेपी है, जैसे कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जी वगैरह, वो लोग इस कानून को आगे लेके चल रहे हैं। बाकी जितने भी नॉन बीजेपी रूल स्टेट है, जहां पर बीजेपी छोड़ के किसी और के चीफ मिनिस्टर्स है, उन लोगों ने इस कानून को पहले ही लागू करने से मना किया। राइटिंग में नहीं दिया है, लेकिन इंशाल्लाह 100% वो लोग नहीं लागू होने देंगे। यहाँ के बहुत से जो मिनिस्टर्स हैं, बहुत से जो राजनीति के लोग हैं, वो भी इसके खिलाफ है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो इस रूल को ठीक से पढ़ेगा, पहले तो इतना कंफ्यूजिंग है कि समझ में ही नहीं आता। सब एक दूसरे के टांग में टांग अड़ाए हुए, ये तीनों, और वही तो मैं बोल रही हूँ कि आखिर में लिंक करके इनको मिलेगा क्या? क्या आप करोगे? लाखों लोगों को आप डिटेंशन में डालोगे क्या, या क्या बाहर निकाल दोगे? अरे लेकिन तुम पाकिस्तान के बेचारे उस दुखी लोगों को यहाँ लेना चाहते हो, लेकिन उससे किसने पूछा है कि तुम्हें आना है कि नहीं? वो तो किसी ने पूछा ही नहीं है उसको। तुमने ही सोच लिया कि हम देंगे, तो कोई आएगा ही नहीं, तो किसको देंगे तुम? सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।